नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मौत के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। उन्हें अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केस में दोष मुक्त करार दिया है। इस मामले के चलते गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2012 में गीतिका शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी, जो कभी गोपाल कांडा की ही एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस के तौर पर काम किया करती थी और फिर उन्हें प्रमोट करके निदेशक बना दिया गया था। अदालत ने गोपाल कांडा के साथ ही उनकी सहयोगी अरुणा चड्डा को भी इस मामले में बरी कर दिया है। ऐसे में आज नजर डालना जरूरी है कि क्या था एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस और विधायक गोपाल कांडा पर क्या संगीन आरोप लगे थे। 2012 का ये मामला है जो उस समय बहुत चर्चाओं में था। घटना 5 अगस्त 2012 की है, जब दिल्ली के अशोक विहार में 23 साल की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा अपने कमरे में मृत पाई गई थी। अपने सुसाइड नोट में उसने हरियाणा की कांग्रेस सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में गीतिका ने एक दूसरे व्यक्ति को भी आरोपी बनाया था। कांडा एक प्रभावशाली राजनेता और व्यवसायी थे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री थे। आरोपों के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की MLDR एयरलाइंस की पूर्व एयर होस्टेस थी, जिन्हें बाद में उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नति यानी प्रमोट कर दिया गया था। गीतिका के सुसाइड के कुछ समय बाद उनकी मां ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भी परिवार वालों ने कांडा पर ही आरोप लगाए। परिवार वालों का आरोप था कि गोपाल कांडा के जुल्म के चलते गीतिका को ये कदम उठाना पड़ा। कांडा इस मामले में IPC की अलग अलग धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 506 आपराधिक धमकी, 201 सबूत नष्ट करना, 120B आपराधिक साजिश और 466 जालसाजी शामिल है। इससे पहले गोपाल कांडा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में बलात्कार, 376 और 377 अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप भी तय थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें रद्द कर दिया। फिलहाल एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मौत के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। गोपाल कांडा को अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केस में दोष मुक्त करार दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।